हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो ये वाला जो क्लिप है, ये है ट्यूसडे इवनिंग का। एक्चुअली जो जीत के फ्रेंड आए हैं कमल भैया, वो वेनसडे को हमारे घर लंच पे आ रहे हैं एंड सेम डे ही वो इंडिया वापस जा रहे हैं, इसीलिए हमने उनको लंच पे इन्वाइट किया क्योंकि उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और बीच में। एंड तो मैं सुपर मार्केट चली गई थी, मुझे जो भी सामान लेना था वो मैं लेके आ गई। कुछ आज मैरिनेशन मुझे करना था रात को ही, तो इसीलिए मैं सुपर मार्केट चली गई थी। एंड यहाँ पर ड्रिंक में मैं यहाँ बारबेक्यू नहीं ले रही हूँ, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये बियर है, तो ये बियर नहीं है। कुछ दिन पहले माया पी रही थी, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि माया बियर पी रही है। तो ये एक मॉल्ट ड्रिंक है, नॉन अल्कोहलिक है, तो बस ये मैंने लिया है। एंड यहाँ पे देखिए मुझे क्या मिला, कुकुम्बर, जुड़वा कुकुम्बर है ये। तो जब भी मुझे कुछ भी जुड़वा ऐसे सब्जी मिलता ना, तो मैं डेफिनेटली लेके आ जाती हूँ। तो बस ये लेके आ गई हूँ। एंड मैं चिकन अफगानी बनाऊँगी, मेरा सिग्नेचर डिश, जो भी हमारे घर में आता है। एंड ये मेरे हाथ का ये चखा नहीं होता, तो डेफिनेटली मैं ये बनाती हूँ क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनता है, सबको बहुत पसंद आता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी मैंने काफ़ी बार शेयर किया है, फिर भी फिर से एक बार बता रही हूँ। यहाँ पे चिकन मैंने करीब 1.5 किलो लिया है एंड 2 नींबू का जूस लिया है, 2 चम्मच मैंने दही लिया है, 2 चम्मच जिंजर गार्लिक एंड हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो लिया है। एंड यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर करीब 1 बड़ा चम्मच यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें हम लोग लाल मिर्च यूज़ नहीं करते। एंड चाट मसाला भी 1 बड़ा चम्मच यूज़ करूँगी। थोड़ा सा ही चटपटा बनता है, आप इसको स्टार्टर के जैसे भी खा सकते हो या मेन कोर्स में भी खा सकते हो। देन यहाँ पे ग्रीन चिली मैंने ऐड किया, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ करीब 1 छोटा चम्मच। देन यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे एंड यहाँ पे कुकिंग क्रीम ऐड करूँगी मैं। थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी भी ऐड किया है, बाद में कुकिंग करते टाइम मैं कसूरी मेथी थोड़ा सा और यूज़ करूँगी। तो कुकिंग क्रीम अराउंड यहाँ पे मैंने करीब 400 ml लिया है, तो सारा मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी वाला बनाना चाहते हो देन कुकिंग क्रीम थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। बस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे एंड मैरिनेट करके रख दूँगी मैं ओवरनाइट। एंड यहाँ पे मटन मैरिनेट करूँगी, तो उसके लिए भी यहाँ पे 1 किलो मटन लिया है, उसमें 1 नींबू का जूस ऐड किया है। ये बिल्कुल ओडिया स्टाइल मटन करी जो है वो मैं बनाऊँगी। एंड जिंजर गार्लिक हरी मिर्च का पेस्ट करीब 3 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। देन इसमें दही ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच। देन इसमें जो बेसिक पाउडर मसाले होते हैं ना, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर एंड थोड़ा सा मीट मसाला मैं ऐड करूँगी बस ये। एंड थोड़ा सा जो मस्टर्ड ऑयल वो ऐड करके इसको मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट में बेसिक सा मटन करी मैं बनाती हूँ एंड काफ़ी टेस्टी बनता है, तो बस इसको मैं मैरिनेट करके ओवरनाइट रख दूँगी। देन अभी पहले मैं मटन बना लूँगी सुबह, तो यहाँ पे मैंने ऑयल मिल या जो खड़े गरम मसाले वो ऐड किए हैं। देन इसमें प्याज थोड़े से भून लूँगी। 1 किलो मटन के लिए मैंने यहाँ पे करीब 3 छोटे साइज़ के प्याज जो है वो लिए हैं। तो प्याज भुनने के बाद इसमें जो मैरिनेटेड मटन है ना वो मैं ऐड कर दूँगी। बस अभी कुछ भी नहीं करना है, इसको ढक के पहले हाई फ्लेम में 10 मिनट देन धीमी आँच में इसको कुक करना है, जब तक थोड़ा ये ड्राई नहीं हो जाता एंड मटन जो है वो आधा कुक नहीं हो जाता है। देन जैसे ही वो आधा कुक हो जाएगा इसमें हम लोग टमाटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, थोड़े से हरी मिर्च ऐड किया है एंड आलू थोड़े से मैंने फ्राई करके रखे थे वो भी ऐड कर दिए, ये ऑप्शनल है। अगेन उसको भुनेंगे करीब 15-20 मिनट तक। अच्छे से भुनने के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा एंड मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा। देन आप ग्रेवी के हिसाब से गर्म पानी ऐड कर देना। बस इसमें मैं 1 सीटी लगा दूँगी। बस 1 सीटी लगाने के बाद ये मटन हमारा बन के रेडी, ऊपर से धनिया पत्ता एंड गरम मसाला। एंड यहाँ पे अफगानी चिकन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। एंड जो मैरिनेटेड चिकन है ना उसको मैं एक एक करके ऐसे फ्राई करूँगी, दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। पहले सारे चिकन मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी, बस ऐसा ही, मतलब ये हाफ कुक, ऑलमोस्ट 80% जो कुक वो इसी में ही हो जाएगा फ्राई करते टाइम। देन इसमें धीरे धीरे करके, मतलब सारा फ्राई करने के बाद, सब पूरा अच्छे से चिकन सारा फ्राई होने के बाद एक ही साथ सबको मैं कढ़ाई में ऐड कर दूंगी। तो ये फाइनल बैच फ्राई होने के बाद मैंने सारा चिकन, फ्राई किया हुआ चिकन इसमें ऐड कर दिया एंड जो ग्रेवी हमारा, मतलब जो मैरिनेशन वाला ग्रेवी है ना वो सारा हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। अगेन उसको धीमी आंच में करीब 15-20 मिनट तक कुक करूँगी। देन ये, मतलब आपको जितना भी ग्रेवी रखना है आप उस हिसाब से रख सकते हो, तो यहाँ पर मुझे इतना ही चाहिए क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा थिक हो जाता है। बस ऊपर से मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर दिया, तो ये हमारा चिकन अफगानी बन के रेडी है। गैस का फ्लेम जो है वो मैं ऑफ़ कर दूंगी। देन यहाँ पे मैंने कोयला लिया हुआ है, जला हुआ कोयला, एंड उसके ऊपर घी डाल के इसको स्मोकी फ्लेवर दे दूंगी। तो बस ये हमारा चिकन अफगानी भी बन के रेडी है, काफ़ी सिंपल एंड काफ़ी टेस्टी बनता है। सो गाइस, मुझे जो बनाना था मैंने बना लिया, बस राइस बनेगा, रोटी बनेगा एंड सलाद वगैरह, वही रायता सलाद वही बनाऊँगी।
एंड हमने एयर फ्रायर में बनाने के लिए कबाब एंड सामोन फिश जो है वो ऑर्डर कर लिया है भाभी के शॉप से, वो दे जाएंगे तो फिर खाने से पहले ही वो बन जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कल रात हम लोग जो गए थे ना उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लाने के लिए, क्यू के लिए, भैया के लिए एंड सुप्रिया के लिए, तो वो ले आई हूँ। जब लास्ट ईयर भाभी आए थे ना तो मतलब भाभी को, माया को थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है फ्रेगनेंस वगैरह के बारे में, मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं है। मुझे बस ये कि हाँ स्ट्रांग होना चाहिए, तो इसलिए मैं मोस्टली जीत का जो फरारी वाला रखा होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो मैं मोस्टली वही लगा लेती हूँ या मैं अपना जो गेस का होता है वो लगा लेती हूँ। बट वो लोग जब लास्ट ईयर विक्टोरिया सीक्रेट से ये बॉम्ब सेल वाला लेके आए थे एंड इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो फिर भाभी एक लाए थे, माया एक लाई थी एंड मैं भी अपने लिए एक लाई थी, तो मुझे काफ़ी पसंद आया था, तो मैंने सुप्रिया के लिए ये एक विक्टोरिया सीक्रेट का ये ले लिया है। इसमें एक परफ्यूम है एंड एक मॉइस्चराइजर है, तो ये एक लिया है। एंड भैया के लिए एक स्वेट शर्ट लिया है, वो बैंगलोर में रहते हैं वहाँ पर तो क्लाइमेट बहुत अच्छा है, वो बता रहे थे 19 डिग्री था जब वो आए थे, तो एक स्वेट शर्ट लिया है ये वाला। कल जीत ने ये ट्राई भी किया था, आप लोगों ने देखा होगा, तो बस इसको मैं रखूंगी, मतलब बाहर रखूंगी कि उनका साइज चेक करना है, अगर उनको छोटा बड़ा जो भी होता है तो चेंज कर सकते हैं, बाकी तो और कुछ चेंज करने वो नहीं है। एंड उनकी बेटी जो है क्यू, उसके लिए हमने एक ब्लैंकेट, मतलब थोड़ा वो होता है ना, मतलब बच्चे बाहर पहन के जा सकते हैं, ये ब्लैंकेट टाइप का है, घर भी पहन सकते हैं बाहर भी पहन सकते हैं, नॉट लाइक ब्लैंकेट, ये ऐसे यूनिकॉर्न का, ऐसे जो सीधा वाला ऐसे होता है ना, जैसे पूरा डालते, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, कुछ तो बोलते हैं, मैं भूल गई उसका नाम, तो ये है ऐसा। एंड उसका ये हुडी है यूनिकॉर्न का, तो मोस्टली लड़कियों को इस टाइप का यूनिकॉर्न वगैरह डिजाइन पिंक कलर का पसंद आता है, होपफुली क्यू को पसंद आए, मुझे उसका चॉइस इतना पता नहीं है, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही लिया है, तो बस ये हो गया है। तो ये दो तो मैं पैक कर देती हूँ, क्यू का, सुप्रिया का, बस भैया का वो अपना साइज चेक कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे, बस रेडी हो गए हैं एंड जीत जाएंगे उनको पिक करने के लिए। एंड बस लंच करके उनकी रात की फ्लाइट है, तो वो शाम को चले जाएंगे क्योंकि फिर वो क्या कोविड टेस्ट वगैरह कराना होता है, तो थोड़ा जल्दी जाना होता है, तो बस चले जाएंगे। सुप्रिया एंड क्यू आते तो बहुत अच्छा रहता, पूरा वीक थोड़ा अच्छे से हम लोग एंजॉय करते, बट वो तो ऑफिस काम से आते तो वो ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। चलिए गाइस, ये सब मैं इसका वो खाऊंगा, चलिए गाइस फिर मैं मिलती हूँ। ये कुछ ऑर्डर कर दिए थे हमने, मटन कबाब एंड ये है सामन फिश, तो इसको अभी मैं एयर फ्रायर कर लूँगी, पहले प्री हीट कर लेती हूँ। मैंने थोड़ी सी वो नहीं लगती, मतलब तू तो कैमरा कॉन्शियस रहता है, हाँ। है ना,
तो गाइस मिलिए वापस से हमारे एचआर डायरेक्टर से, किसी को कोई नौकरी चाहिए तो मैं तेरा ईमेल आईडी शेयर करूं उनके साथ में। भाई खाना खा दे, कितना अच्छा खाना बनाया है ना, ये तेरे को नसीब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तूने कुछ अच्छे कर्म किए, तूने कुछ अच्छे दोस्त बनाए हैं जिंदगी में, जिनकी वजह से जिनकी दुआएं मिली और दुआएं मिली और ये तेरे को इस तरह का कुछ खाना नसीब हो रहा है। अभी कैमरा बंद होगा तो पोल खुलेगा। कैमरे के आगे नहीं बोलते ऐसे जाते लेकिन गाइस अल्टीमेटली बहुत कमीना ये, इसके साथ में बीवी बच्चे आने वाले थे लेकिन नहीं आए, ऑफिस के काम से। अगर ठीक है ऑफिस के काम ऐसे होते हैं, बाद में बिजी होते हैं, चलो छोड़ो। नहीं आएंगे, हम लोग आएंगे, देन वी विल मेक लॉट ऑफ वीडियोस एंड तब बहुत फन करेंगे हम। जनवरी फरवरी मतलब अच्छे टाइम में, अच्छे टाइम में एंड वी विल मेक अ सर्दी के टाइम पे वी विल गो फॉर बारबेक्यू वगैरह। ठीक है, डन डन, यहीं पे ही हम लोग पूरा प्लान करके और फिर यहीं से कहीं और भी चल सकते हैं, मतलब टाइप जैसे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ वो कर सकते हैं, डन डन, जॉर्जिया टाइप। फॉर मी यू नो, छोटे थे जॉर्जिया चले गए, बर्फ देख रहे हैं। हाँ हाँ फ्रिज में इतनी है, तब्बीस के बाद ही परेशान है। चलो चलो ठंडा हो गया। मी इट्स यू नो ना यार, चार पांच दिन को कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कि बार बार दुबई, लेकिन हाँ विद फैमिली वी ऑल। क्यों नहीं आई ना, इट्स डिफिकल्ट टू ब्रिंग अ डायरेक्टर बट इट वुड बी इजी टू ब्रिंग यू। नहीं कियो का तो बहुत मस्त हो जाएगा, वो तो एकदम हनी बनी के साथ। वही तो ना भाई, चल चीयर्स टू फ्रेंडशिप, दैट्स हाउ वी विल रॉक। ओपन तो करो, अमेजिंग। कैमरे के लिए क्या बोलना पता है, पहले खा लो फिर आराम। इसका जो बेंचमार्क है ना वो है टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, और ज्यादा हो जाएगा तो धनिया भी कर देगा एक। उससे आगे नहीं जाएंगे, उससे आगे ये ठीक है। मैं आई एम एडमिटिंग दिस बिकॉज़ एडमिटिंग तू जब पूछा किसी ने एडमिटिंग तो पता है वो तो क्या, इससे बढ़कर ही कुछ नहीं है इसका। बड़े बोलते हैं, हमारी तो बहुत बातें हैं, हम क्या करें। हाँ वही नहीं आप... एक बार इसकी वजह से मेरी इतनी पिटाई हुई थी ना, पता है आपको ये बात पब्लिक में बताऊं, ये बात मैं तेरी बता दे। मैंने किसी पे भरोसा कर दिया ये इतना पाप। हम लोग एक्चुअली क्या हुआ अर्चना, हम लोग आ रहे थे स्कूल से, हम स्कूल से क्या करते थे, हम पैदल चल के आते थे पूरा 1-2 किलोमीटर, मतलब ऐसे ही कुछ नहीं तो होता था, उसके बाद हमें ट्यूशन होता था, उसके बाद हम शाम को साथ ही रहते थे हम। तो रस्ते में ना एक बच्चा सा मिल गया, तो उस वो आके ना ऐसे तंग वंग कर रहा था हमें, तो मैंने उसको कहा कि यार भाग जा यहाँ से, ठीक है। हम तो जैसे होता नहीं है, गुस्से में थे हम लोग, तो हम एक स्टॉप पे पहुंचे, दो तीन लड़के आए, वो कहते हैं भाई साहब एक बार आओ, आपसे ना कोई बात करनी है। कहा यार बात करनी है मुझे तो थोड़ा सा, मैंने कहा यार बात क्या करनी है इनको है। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार ये ना हमें ना वहां पे ले जाके मारेंगे, ठीक है। मैं तो पता नहीं, मुझे ना कुछ मतलब लग रहा है, इंट्यूशन है, देयर विल बी समथिंग। कहता भाई नहीं वो लड़का है, उसने सॉरी मांगी थी भैया, मैंने बदतमीजी करी। कहता भाई मुझे इसकी बात अभी तक दौर। कहता भाई जिंदगी में ना किसी पे भरोसा करना चाहिए, तू चल कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ ना तू चल। मैं कहा चल। तो ना वो हमें ना एक ऐसी जगह ले गए जैसे सीढ़ियां होती है ना क्वार्टर्स की, तो वहां पे थोड़ा सा अंधेरा होता था, तो हमसे कहा बात करनी बात करनी है, लेकिन जैसे जैसे वो अंधेरा बढ़ रहा था वैसे वैसे ना दो तीन चार पांच ऐसे हाथ आए पीछे, दौड़ 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 दौड़। उसके बाद ना हम थोड़ी देर वो गुस्सा हो गया कि इसने एक बच्चा सा आया था, उसको बोला चल तू निकल, वो एक्चुअली बदतमीजी कर रहा था, तो कहीं ना 5-7 बंदों को पकड़ के लेके आ गया। उसके बाद धीरे धीरे हम ना एक सेकंड रुक गया, धीरे धीरे बाहर आए हम उसमें से, वो जैसे अंधेरे से हम बाहर आए और उजाला उजाला जैसे हमारे एक दूसरे को देख रहे हैं, इसका इसके ऐसे चेहरे बटन बटन थोड़े से इस तरह से हुए पड़े हैं। पहले से चेक किया, चेन वेन तो है ना मेरी। और उससे बढ़कर क्या, हमारा ट्यूशन था, हम ट्यूशन जैसे हमारी ऐसी हालत, तो हमसे ट्यूटर जो था ना हमारा संजय, वो पूछता क्या हो गया यार तुम लोग बड़े अलग लग रहे हो, आज फुटबॉल का मैच था, बहुत फुटबॉल ये नहीं पता, हम ही फुटबॉल थे। इसका उस दिन से मैंने समझ लिया था भाई, इस पे भरोसा जो है ना मतलब इस तरह से करना, अगर ये जिस तरह से बोलता है कि आ जाओ वेरी देखो बचा के भी मैं लेकर अंदर से खींच के, जब तक पकड़ा था तीन लोगों ने एक साथ, तो मेरे तो बाल ही पकड़े थे किसी ने ऊपर, भाई वो तो सीढ़ी के ऊपर से वो बंदा बाल पकड़ो, कहां कहां बंदे उन्हें चेक कर रखे थे, मतलब ऊपर नीचे से पटा 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 पट 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 पता नहीं कहां से हमें
पढ़ रहे थे, हमें कुछ नहीं पता। और जब जैसे हम बाहर, और उसके बाद जैसे होता ना शो, जैसे शो हो गया खत्म, वो बंदे भी गए सारे, वो मार उड़ के चले गए। वो सबसे मजेदार किस्सा जो है मुझे जो अच्छा, तो ये बचपन का किस्सा है। हाँ, जल्दी जल्दी बताओ। ये नीचे था खड़ा और गालियां सुन रहा है, इसको घर नहीं आने देंगे। जल्दी जल्दी बताओ भाई। बैठ के नई वॉशिंग मशीन आई थी, ये क्या वॉशिंग मशीन आई थी तब, लेटेस्ट लेटेस्ट मॉडल होता था, इसका फेवरेट पाइस टाइम होता था 40 में बैठे रहना। तो इसने नई वाली वॉशिंग मशीन पे बैठी, पता नहीं उसने हेडफोन हेडफोन लेके गाने वाने सुने, और वॉशिंग मशीन के ऊपर बड़ा सा मोमबत्ता लगा के, और लाइट गई है, और भाई कैंडल लाइट पॉटी कर रहे हैं लोग, कैंडल लाइट में चलता है भाई, बहुत टाइम होता था सब लाइफ में। और वो इसको पता ही नहीं है कि वॉशिंग मशीन था अगले नहीं ऐसा नहीं, मैं करकुरा के नीचे आ गया, आराम से नीचे आ गया। बाहर जो सामने वाले थे ना वो बंगाली थे कोई, अरे आपके घर से धुआं आ रहा है, धुआं आ रहा है। उसके बाद मेरे चाचा भागे ऊपर, और फिर वो जो हुआ था बाहर से आया था अंकल ने, छोड़ो कैमरे में क्या बताएं, गालियां इतनी बड़ी थी, मैं कैमरे में भी बता देता। और ये नीचे मैं जस्ट आया था, मैं जस्ट आया, मैं क्या हो कुछ हल्ला मच रहा, किसके क्या को पड़ा मारो, देखो ये कढ़ाई के ऊपर देखा ना ऊपर बताइए, छोटे मोटे निकाला उसकी हालत खराब हो गया ना, वो इनको बैंगलोर वालों को ना पैसे में, भाई उसने ना बड़ा शरारत शरीफ आदमी था वो, उसने भी 200 रुपए वापस दिए, खुश हो 300 रुपए लेके। से बाय बने कहने से कहने से डैडा विल नॉट गो ओनली अंकल विल गो सो अंकल हैज ऑलरेडी गॉट रेडी चलो बाय 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 बनी सी यू विद क्यू सी यू विद क्यू सून ओके ओके यू वांट टू गो टू बीट क्यू दीदी यस उनका बड़ा मन कर रहा है जाने का चलो चलो ठीक है आप जाओ लेट हो गया है चलो ठीक है बाय बाय मिलते हैं फिर बाय 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 बनी वन तेरी चुप्पी ले लो बनी वन चल ओके सी यू मिलते हैं फिर आराम से पहले बाय 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 हां आ गए हैं कमल भैया को ड्रॉप करके एंड जीत पूरा पानी पी के दुख भरे आंसू है उनकी आंखों में अच्छा और क्या सो गाइस कैसे हैं आप बढ़िया हैं सब
तो आप जाओ अभी अपना काम करो, मैं जा रही हूँ ब्लॉग एंड कर रही हूँ, एंड हनी बनिंग के लिए डिनर बनाना है। डिनर में ऐसा कुछ नहीं, बस रोटी बनाएगा, मैं सब कुछ रखा हुआ फुल स्टॉप के लिए यूसेज किया जा रहा है। सुनो आप सुबह से तो बात कर रहे थे। हाँ तो ठीक है, बीच बीच में कॉमा कॉमा ले रहे थे। चले गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। कमल में केवल ला 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 ये तो हाँ, मुझे कह रहा है वो जो म्यूजिक आता ना, हे 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 हे, वो कह रहा है ये कौन है, तूने विश्वजीत से करवाया है? कह रहा ये तो मैंने कहीं और सुना ही नहीं। मैं कहा हाँ ये मैं ही हूँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल इस ब्लॉग का मैं ही हूँ। ये काफी लोग पूछते हैं कि आप म्यूजिक बहुत अच्छा लगाते हो तो कहाँ से लगाते हो, तो मैंने मतलब मंथली सब्सक्रिप्शन लेके वो किया है, पेमेंट करती हूँ एवरी मंथ उसका, तो वही है, वरना तो सारे उसमें कॉपीराइट्स आते हैं, आपको पता है। कुछ कुछ कॉपीराइट्स फ्री मिल जाते हैं, नहीं तो बाकी आपको बाय करना पड़ता है, तो यही है। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बच्चा पार्टी अपना खेलने में लग गए। हेलो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ से हाय, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, या।